कैसे आप सब, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम शंकर और आप सभी के वापस से हमारे चैनल पे जिसका नाम है इंडियन रिएक्शन बॉयज स्वागत करते हैं इंडियन रिएक्शन बॉयज जो आपको लेटेस्ट और अपडेट देते हैं। तो गाइस हम ना कुछ दिन से नया कुछ कर रहे हैं, तो कुछ नया ऐड करने की सोच रहे हैं। टिकटॉक तो हमारा चल रहा है, नया ऐड करें तो गेम शो ऐसा चलेगा ना सीजन 4 के ना आपके लिए काफी सारे एपिसोड लेकर आ रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम जिसमें ना सबके मतलब पावर हो जाती है। हमने जब पहली बार देखा है इसको तो मैं कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई भाई किस तरह का सोच है, लेकिन अभी कुछ फिलहाल मतलब कि स्टार्ट करने से पहले हमारे ये तो हमने देखा भाई कि इसके अंदर ना चैलेंजेस होते हैं उनके स्टार्स के लिए वगैरह, मतलब ये क्लिप बढ़िया भाई, इस पे हम रिएक्शन दे सकते हैं और आप सबका कमेंट भी होता था कि हाँ भाई इन पे रिएक्शन दे। हाँ और पॉइंट वगैरह भी मिलता है, तो कौन सी टीम अच्छी, टिकटॉकर टीम होती है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यार सारी टीम चैंपियन भी है। हम ज्यादातर टिकटॉकर्स को जानते हैं, उनको अच्छे से जानते हैं, उन पर रिएक्शन देते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर आपको और बताएंगे आज के बारे में। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियोस और ये गेम शो है, इसका टास्क क्या है, इसका टास्क का नाम है एक्टिंग और ये सीजन 4 है, गेम शो ऐसा चलेगा। तो देखते हैं भाई एक्टिंग, देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड गो। नेक्स्ट गेम है आज का एक्टिंग कंपटीशन। चारों टीम जल्दी से आओ जल्दी, कम ऑन, टाइम कम है, जल्दी आओ गाइस। पुगम 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 पुगम, 3 पॉइंट्स के लिए एक्टिंग है। चेंज होगा। आई स्टैक की तरफ से एलईडी जाएगी पहले, दोनों आगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चलो जल्दी से जाओ लाइकर्स, सबसे पहले एक मिनट का टाइम है हर टीम के पास, गौर से सुनना एक्टिंग क्या करनी है। दूसरे दोस्त को पैसे उधार दिए थे, वो भी 5 लाख रुपए। अब जिस दोस्त ने पैसे उधार लिए थे वो दे नहीं रहा, बातें बना रहा है, आपने इनसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, अब जब टाइम आ गया वापस देने का तो आप पैसे वापस नहीं कर रहे हो, बहाने बना रहे हो। इस पे आपने सिचुएशन के ऊपर एक्टिंग करनी है, इसको सीरियस भी कर सकते हो बहुत। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, एक मिनट है, दो माइक दीजिए, माइक जल्दी से माइक दीजिए, माइक कहाँ है, माइक दो जल्दी से यार, आ गए दोनों, आ जाओ जल्दी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, पूरा एक मिनट है आप लोगों के पास, रेडी गाइस गो। मेरे पैसे कहाँ पर है इमरान, एक महीना हो गया है मैंने घर के किराए देने हैं, वेयर इज माई मनी। यार क्या हो गया यार तुम्हें, मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग रहा हूँ क्या, झूठ बोली जा रहा है, झूठ बोली जा रहा है। क्या शर्ट पहनी आज, वाओ यार ड्रेस लुकिंग, मुझे बताओ, शट अप, मुझे मस्का मत लगाओ, मुझे पता तुम ये बच्चों के साथ यार कौन क्या पैसे रो रही हो, इधर आओ मैं तुम्हें आज चीट कर रहा हूं, और मैं मस्के में नहीं आने वाला तुम्हारे, पुराने हो चुके, मुझे पता है वो बच्ची का नंबर मेरे पास भी है, तुम बात करते हो समझ आई, कौन सी बच्ची, मुझे सब बताया, सारे पैसे तुम उसके लौट के लगा रहे हो, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे पैसे लुटा दूंगा, मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए, जो मर्जी करो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अभी तुम्हारी बच्ची को कॉल करके ना मैं एक चीज का नंबर कटवाता हूं। अच्छा बात तो सुन लो, बोलो बोलो, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं जबरदस्त नोबिता, बहुत अच्छी एक्टिंग की, शाबाश जबरदस्त। हाँ भाई नेक्स्ट कौन है, आप थे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी एक्टिंग की तुम लोगों ने। जनाब बारी इंस्टाग्रामर्स की। अच्छा जी, दो खवातीन किसी की शादी में गई थी, हर चीज में नुक्स निकाल रही हैं और हर किसी की बुराई कर रही हैं, इसका मेकअप, कपड़े, ये वो और बहुत कुछ। अब दो खवातीन, बहुत मजे की सिचुएशन है ये, आओ जल्दी से, कौन कौन है खवातीन, दोनों खवातीन ये हैं, आप लोग शादी में आई हैं और एक दूसरे की बुराई, जो दूसरे लोग हैं उनकी बुराइयां निकाल रही है मेकअप की, कपड़ों की, आओ एक मिनट, रेडी गो। हाय अल्लाह, बहुत दिनों से बुराई नहीं की है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं हूं ना तुम्हारी कंपनी देने के लिए, कैसी अच्छा, हैं आप, वो मैं कल शादी पे गई थी, अच्छा आपका मेकअप, खालिदा का मेकअप देखा है आपने, एकदम डाइन लगती है, डाइन लगती है, डाइन लगती है, और हमारे इलाके की शताज देखी आपने, इतनी सारी लिपस्टिक लगाती है, बंदा देखे डर जाए, हाँ शताज, शताज व्हाइट कपड़े पहने, एम्बुलेंस लगेगी, खैर हो गए, अच्छा तुम ये बात, तुमने ज्वेलरी कहाँ से ली है, ये वाली ज्वेलरी नहीं होता है, ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी, अच्छा तुम बहुत एडवांस हो गई लग रहे मुझे, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो रबिका को दिखाई ना, रबिका को, इतना मेकअप टॉप किया, मेकअप 10 किलो वाला मेकअप, 10 किलो, ओहो अच्छा, टिश्यू पे करे, टिश्यू के पास सामने का बाजा पूरा अपना देखा है, वो लैकर्स गली वाली, लैकर्स वाली, लैकर्स गली वाली, इतना मेकअप तोपती है, इतना मेकअप तोपती है, पता नहीं मेकअप की दुकान है क्या है ये उनके पास, मुझे तो दुकान ही लग रही है, लग ये लिपस्टिक लगाती है ना ये लोग, इनके तो पता नहीं दांत भी लग जाती है लिपस्टिक खाते खाते
और अपनी वाली तो बता दो जो तुम्हारी उसमें माही ने तुम्हारी टीम में माही तो मासूम सी है। अच्छा जी बारी है आपकी है टिकटॉकर्स की बारी है। चलिए जनाब और सुनिएगा। एक भूत और एक चुड़ैल अचानक से कब्रिस्तान में मिले हैं। अब वो अपने मरने की दास्तान एक दूसरे को सुना रहे हैं। हम कैसे मरे थे थर्ड आपसे आओ जल्दी सुना भी या नहीं सुना सुना या नहीं सुना। एक भूत और एक चुड़ैल अचानक से कब्रिस्तान में मिले हैं। अब वो अपने मरने की दास्तान एक दूसरे को सुना रहे हैं कि हम कैसे मरे थे। रेडी एक मिनट तुम लोगों के पास पूरा माइक का माइक दो माइक दो। चलिए जनाब नहीं बिल्कुल चेंज हो सकता जल्दी आ जाओ। भूत और चुड़ैल कब्रिस्तान में मिले हैं मरने की दास्तान सुना रहे हैं कि कैसे मरे थे। रेडी रेडी गो। ए चुड़ैल बाजी मेरी बात तो सुन। ए तू मेरे को डरा क्यों रही है चुड़ैल बाजी तो सुन ना मुझे ये बता तुम मरी कैसे। मैं गटर में गिर गई थी। गटर में गिर गई थी बड़े बाजी बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ। तेरे को पता मैं कैसे मरा। कसम से एक साइकिल वाला मेरे सर के ऊपर से गुजर गया ऐसे और मुझे मैं मरा नहीं सुन। साइकिल वाला जब सर के ऊपर से गुजरा ना तो मुझे याद आया कि मेरा तो घर पे जो है ना वो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा टेडी बेयर सुनना है भाजी टेडी बेयर जो है ना वो मुझे याद करता। मैं भागते भागते रोड क्रॉस किया ट्रक वाले ने मुझे मारा इतनी जोर से वहां गिरा मैं वहां। मेरी सुनो सुना गटर में गिरने के बाद कॉकरोच चढ़ गया मेरे ऊपर। कॉकरोच चढ़ गया सर कॉकरोच चढ़ गई डर गई थी मैं इतनी बड़ी वो बेचारे बेचारे मेरे पीछे भाजी कॉकरोच तुझे गटर में तो कितनी टाइम था टाइम था। आओ जो भाई जल्दी आइए जनाब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे यूट्यूबर्स गौर से सुनना सिचुएशन क्या है गाइस। लास्ट है भाई देखते हैं। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसकी सालगिरह पर तोहफा लाया है। अब लड़की नखरे दिखा रही है कि मैं अपने बाबा की शहजादी हूँ और तुम मेरे लिए क्या बेकार तोहफा लेकर आए। यार ये तो सबके साथ होता है। एक लड़का एक लड़की हाँ दोनों लड़के भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है। अब कौन गर्लफ्रेंड है कौन बॉयफ्रेंड है भाई आप गर्ल है सही है जनाब और आप तोहफा लेकर आए इनके लिए सही है। तुम्हारी किस्मत में कैसी सिचुएशन निकले जा रही है क्या चक्कर क्या है तुम्हारी फैमिली देख रही है। बहुत बातें की होंगी ना देख रही है ना आज मैं भी देख रहा हूँ। रेडी गो। जानू 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 तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ क्या लाए हो अपना मास्क मुंह लाए और क्या लाए मास्क एक मास्क और एक मास्क ये लगाओ। मैं नहीं ले लूंगी ये इतने प्यार से लाया मैं नहीं लूंगी मैं बाबा की प्रिंसेस हूं मेरी फेसबुक की आईडी भी क्यूटीलिशियस प्रिंसेस है। वो तो झूठ है मैं नहीं लेती ऐसा ले लेना यार इतना प्यार से नहीं बोले मैं शर्मा रही हूँ ना तो तमीज से देना था शर्माने तो दो इधर भी मारना यार अच्छा देखो तो मजा आ रहा है यार मारती रहे मार 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 आप मुझे गिफ्ट दें गिफ्ट दें ये नहीं चाहिए मुझे गाड़ी चाहिए इस मुंह पे मैं इंडिकेटर नहीं दूं गाड़ी ये ले मेरी गाड़ी ले ले गाड़ी नहीं चाहिए मुझे गाड़ी चाहिए ड्राइवर के साथ चाहिए और ड्राइवर होना चाहिए बिल्कुल शाहरुख जैसा। शाहरुख तो नहीं शेज है शेज है अंकल है ये ये भाई गर्मी का शाहरुख यही है ये नहीं चाहिए मैं कल घर पे भी काम नहीं करती आप ऐसा मास्क लेके आयो। टाइम अप जनाब जबरदस्त बहुत बढ़िया। अच्छा जी अब डिसाइड मुझे और मेरी टीम को करना पहले टीम बताए भाई कौन से आप लोगों को ज्यादा बेहतर लगा बताइए आपके हिसाब से आज बेहतर एक्टिंग सिचुएशन के हिसाब से माइंड में रखिएगा सिचुएशन के हिसाब से किसने की बताइए। इंस्टाग्रामर्स ने भी अच्छा किया बिल्कुल किया थैंक यू सर थैंक यू और इनो की भी बहुत अच्छी थी यूट्यूबर्स की भी अच्छी थी बिल्कुल ऐसे ही तो मेरे ख्याल से इन्हीं दोनों के बीच में है मुकाबला तो अब आप भी अगर पॉइंट देंगे एक तो फिर अच्छा सिचुएशन के हिसाब से बाकी टीम इंस्टाग्रामर्स और टीम यूट्यूबर्स दोनों ने एक्टिंग अच्छी की है लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चूज किया जाए तो सिर्फ एक जगह एक प्रॉब्लम ये हुई है अब्दुल बासित तुम बीच में लड़का बन गए थे दो लड़कियां बात कर रही थी वहां पर हुसैन अपने कैरेक्टर से आउट नहीं हुआ वो लड़की था तो वो पूरे एक मिनट लड़की ही बना रहा उसको तो लड़का ही बनना था उमेर को। यहां पर मुझे लगता है सिर्फ एक जगह गए तुम लोगों ने सिचुएशन को यूज बहुत मजे का किया था लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना हो
तो फिर वहां तुम्हारे नंबर कटेंगे जब तुम थोड़ी देर के लिए लड़का बन गए थे। इसलिए ये 3 पॉइंट्स जाएंगे टीम यूट्यूबर्स के साथ। आइए जनाब हो जाए। Baby tonight, DJ God's falling in love again. दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो गेम्स। ऐसे चलेगा एक्टिंग का एक परफॉर्मेंस रखा गया था। सीजन 4 है और यार एक्टिंग अच्छा रहा क्योंकि ना सिचुएशन बड़े अच्छे दिए थे कि भूत और चुड़ैल वाला मुझे सबसे अच्छा वही लगा। मुझे सबसे अच्छा वही लगा और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे थे वो चुड़ैल की भूत की जो आवाज बार बार निकाल रहे थे। नहीं बोले कि हम उन पे रिएक्शन देते हैं इससे बोले कि उनका ना अच्छा लगा उनके यार कॉमेडी सी फील सी आ रही थी कि यार मेरे सोसाइटी यूं घूम गया। वो तो बंदा कर ही रहा था लेकिन उसके जब वो बोल रहा था उसके साथ साथ जो एक भूत नहीं करते आज थोड़ी साउंड डालती बहुत अच्छा लगा उस हिसाब से ना। तो मुझे वो चुप रह सकते थे उस टाइम पे जब वो बंदा बोल रहा सामने तो उस चुप रहने उसने सामने से वो भूत का जो है ना सीन सिनेरियो था उसको करा उस तरह कंप्लीट करा। हाँ। तो मेरे ख्याल से उनको देना चाहिए था हमारे हिसाब से बट उनको क्या लगा यूट्यूबर्स ने बढ़िया करा। यूट्यूबर्स ने अच्छा करा मुझे वो अच्छा लगा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा यार था कि यार कुछ भी सिचुएशन दे दो अचानक ही तुम्हें परफॉर्म करना है डायरेक्ट। अब इस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो सबने बहुत बेहतरीन करा बहुत ही बेहतरीन करा लेकिन उनको सिर्फ एक को चुनना था तो जो पॉइंट्स थे वो गए यूट्यूब की तरफ। बट कुछ भी यार गेम शो अच्छा है बहुत मजा आता है देखने में यार कि डेली कुछ नया लाते हैं। मेरे ये बता अभी सीजन करंट में सीजन 4 चल रहा है या फिर इससे भी आगे आया है या फिर अभी बंद है? सीजन 4 चल रहा है अभी करंट में है ना ऐसे लगा सीजन 4 चल रहा है। तो गाइस कैसा लगा आप बताना गेम शो मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा आपको जरूर बताना। और मुझे ये लगता है ये काफी पॉपुलर है पाकिस्तान भाई तभी सीजन 4 तक ये आगे पहुंच पाया। यहाँ पे जानते हैं कितने सारे शोज ऐसे हैं गेम शो ये आते हैं वो बंद हो गए थे वहाँ पे थोड़ा मजेदार था नहीं क्योंकि सच्ची बताओ यहाँ पे बंद हो गए थे। यहाँ पे ना जो परफॉर्मेंस करने आते थे वो अननोन पर्सन होते और अननोन तो नहीं कह सकते लेकिन जो भी है थोड़े अंकल टाइप के या फिर थोड़े वो उस टाइप होते हैं। यहाँ पे जितने भी परफॉर्मेंस सारे सारे यंग है जितने भी है सारे यंग है इनके वजह से ये शो चल रहा है। उसी हिसाब से उनको टास्क दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए। हाँ क्योंकि क्योंकि ना मतलब एक यंग मतलब ये है कि यार जो मन माया कर दिया इस वजह से एंटरटेनमेंट पर्पस और अच्छा हो जाता है तो इसी के अंदर देख लेते हैं इतना बढ़िया सबने करा है। हाँ तो अगर गाइस आप ये जरूर बताना कि यार आपको कितना अच्छा लगता है गेम शो के ऊपर भी बताना और हमारे रिएक्शन पर भी बताया आपको हमारा रिएक्शन कैसा लग रहा है कुछ न्यू एड कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं तो बता सकते हैं आप। तो ये थी आज की हमारी वीडियोस जो हमारे नए व्यूअर्स है उससे रिक्वेस्ट करते हैं वो फिर से प्लीज हमारे चैनल को सराहने से पहले एक बार सब्सक्राइब करके जाए और छोटा सा एक लाइक करके जाए और जिन्होंने हमारा सब्सक्राइब कर दिया जिन्होंने नहीं करा सबका शुक्रिया जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं सबका शुक्रिया। एक चीज और की वीडियो नहीं डली थी एक वीडियो डली अभी उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप प्लीज देखें क्योंकि वीडियो कंटिन्यू मिलेगी आपको तो देखें लाइक करें शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर और बने रहिए हमारे चैनल के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय टाटा धन्यवाद।